radio. तपती उबलती खौलती तब कहीं जाकर इस चाय में स्वाद आता। इस बेटी की जिंदगी भी ऐसी ही है। दिन रात अपने आप को तपाया, हुनर को निखारा और फिर जो चमक आई उसने खुद का, परिवार का, देश का नाम रोशन किया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर देश का नाम रोशन किया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के चुरू के चांदगोठी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर बेटियां के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस बाला से जिसने खुद की मेहनत के बलबूते शोहरत की मंजुवाला बनते हुए अपना नाम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में रोशन किया है। एक छोटे से गांव की बेहद साधारण परिवार में जन्मी मंजुवाला, या यूं कहे कि एक चाय बेचने वाली की बेटी ने हिंदुस्तान का नाम जिस तरह से जाकर विदेशों में रोशन किया, उसने अपने आप में एक नई कहानी को लिख दिया है। और यहाँ पर उनके गाँव में ही हम मौजूद हैं, उनसे उसकी पूरी कहानी हम सुनेंगे। लगन, जतन और मेहनत साथी जज्बे के एक बेहतरीन दास्तान को सुनने के लिए हम बेताब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। मंजुबाला के बड़े बड़े पोस्टर और उस पर लिखे बधाई संदेश बताते हैं कि मंजू की कामयाबी के हिंदुस्तान के साथ ही साथ इस गांव समेत पूरे इलाके के लिए क्या मायने हैं। झुंझुन के चांदगोठी गांव में बस स्टैंड पर सड़क के किनारे बनी चाय की इस गुमटी से कमाए पैसों से पिता विजय सिंह ने अपने परिवार को पाला पोसा। 3 बेटियों और 2 बेटों के बड़े से परिवार को इस छोटी सी कमाई में न सिर्फ 2 वक्त की रोटी खिलाई बल्कि अपनी लाडली के उस सपने को साकार करने में तन मन धन सब लगा दिया इस पिता ने। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त मंजुबाला के पिता ने हमें एक बहुत गर्मा गर्म चाय पिलाई है। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। एक बेटी जब पिता का नाम इस तरह से रोशन करे तो पिता को कितना फक्र होता है, कितना गर्व होता है, ये उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। आपकी बेटी ने आपका नाम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में रोशन किया है, एक पिता होने के नाते आपको कैसा लगता है? बहुत ही गर्व महसूस होता है कि बेटा और बेटे में फर्क समझने वाले, मैं तो समझता नहीं कि बेटा और बेटे में फर्क समझे कि मैं तो बेटे की तरह पढ़ा है मेरे बेटे को। कब से चाय की दुकान आप यहाँ पर लगा रहे हैं? इसके जन्म से पहले ही। जन्म से पहले ही, यानी कि 26 साल से पहले ही। हाँ। कितनी कमाई हो जाती थी, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो आपने ठीक ठाक दुकान कर ली है। इसके पहले क्या बहुत मुश्किल होता था बेटी को आगे भी बढ़ाना, उसके खेल के लिए खर्चा करना और फिर परिवार को भी चलाना? बहुत मुश्किल, उधार लेना पड़ता था गाँव से हर बार, कभी भी बाहर जाती थी, कभी भी कुछ इसकी डाइट के लिए बनवाना पड़ता था तो कर्ज लेना पड़ता था। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बेटी है पराए घर चली जाएगी तो मैं उसके ऊपर इतने पैसे खर्च क्यों करूं? ऐसा सोचता था कभी? आज ये ध्यान नहीं पूछती, मैं कभी नहीं सोचता ऐसे। पिछले 26 साल से ये गुमटी इसी तरह चल रही है। मंजू की उम्र और इस गुमटी की उम्र तकरीबन एक बराबर है। हिंदुस्तान का गौरव मंजुबाला का पूरा बचपन इसी गुमटी के इर्द गिर्द गुजरा है। पिता की गैर मौजूदगी में कई कई बार अपने हाथों से मंजू ने यहीं खड़े होकर चाय भी बनाई और लोगों को पिलाया भी है। बचपन में आप भी यहाँ पर आती थी हाथ बटाने के लिए? बिल्कुल, मैं जब प्रैक्टिस करके आती थी तो पापा को खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता था तो पापा बोलते थे एक बार दुकान देखना, तो मैं एक बार आके जरूर दुकान देखती थी। अच्छा, तो आप भी चाय बनाती थी? हाँ बिल्कुल सही।
जिस इलाके में पैदा होते ही बेटियों के गले घूंट दिए जाते हों, वहाँ ये पिता अपनी तीन तीन बेटियों के सुनहरे कल के लिए सपने बुन रहा था। बचपन से ही खेलकूद में रुचि रखने वाली मंजू वॉलीबॉल की प्लेयर थी। अपनी बेटी के कदमों की उछाल को इस पिता ने पहले ही भांप लिया था। मंजू ने उड़ान के लिए जितने पंख फैलाए, पिता ने उतना ही हौसला दिया और आज वही बेटी इस पिता की पहचान बन गई। अभी जब हाल ही में इंचियोन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जब वो खबर आपको मिली तो उस समय आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खुशी हुई कि मेरी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। आपकी तमन्ना, अब आपकी तमन्ना क्या है? अब मेरी तमन्ना है ओलंपिक में मेडल लेके आए। ओलंपिक में मेडल लेकर आए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओलंपिक से पूरे हिंदुस्तान को उम्मीदें हैं मंजू बाला से, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने ये भी देखा है कि एक बेहद साधारण से परिवार में जब कोई बेटी जन्म लेती है तो उसी समय से हम पिता परेशान होने लगते हैं, घर वाले की शादी कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा। उन तमाम चीजों को आपने दरकिनार करके बेटी को इस तरह से आगे बढ़ाया है, ये बातें कहाँ से दिमाग में? ये जब इसी सीख लिया, मान लो कि मंजू से ही। मंजू जब छठी क्लास में हुई, पांचवी तक प्राइमरी में छठी क्लास में आई, तब ये यहाँ पे हमारे गांव में ही वॉलीबॉल खेलती थी लड़कियां, कि मैं खेलूंगी। उसके बाद में ये आगे बढ़ती रही, मैंने कभी इसको नहीं किया कि भी तुम मत खेल। राजस्थान में तो बेटियों को बड़ा रोक टोक किया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, आपने कभी नहीं? वो अपनी अपनी सोच होती है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। आपकी सोच ऐसी नहीं है? इससे दो छोटी और हैं, इससे वो भी नेशनल मेडल वाले हैं। मंजू ने 2014 में इंचियोन में हुए 17वें एशियन गेम्स में हैमर थ्रो में जब रजत पदक जीता तो उसी वक्त चाय बेचने वाले पिता के बेटे नरेंद्र मोदी के तौर पर हिंदुस्तान को नया नवेला प्रधानमंत्री मिला था। तब अखबारों में मंजू बाला और मोदी की तस्वीरें इसलिए साथ साथ छपी थी कि दोनों ही चाय बेचने वाले पिता की संतान है। ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब संघर्ष की लंबी कहानी हो और उस बीच से एक बेटी इस तरह से आगे बढ़े। और यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मंजू बाला की मुलाकात राजधानी दिल्ली में हुई थी और उसकी कुछ कहानी ये अपनी जुबानी हमें सुनाएंगे। आपने कहा था नरेंद्र मोदी से कि मेरे भी पिताजी चाय बेचते हैं आप ही की तरह, और क्या क्या बातें हुई थी आपकी? जब हम लोग मेडल लेके आए तो ऑल ओवर इंडिया के जितने प्लेयर थे, मेडलिस्ट थे, सबको बुलाया था नरेंद्र मोदी जी ने। हम लोगों का वहीं पे ब्रेकफास्ट था, फिर साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई। तो मुलाकात में सब लोग, हमारी टीम सबसे लास्ट में थी एथलेटिक्स, तो हम लोग जैसे निकले तो मैं सबसे पीछे थी, थ्रोरों में सबसे पीछे मैं थी। तो सब लोग अपने जो हाथ मिला के जैसे पैर छूते हैं वो निकल गए थे, मैं लास्ट में बची थी। मैं इसलिए बची थी क्योंकि मुझे साहब से बात करनी थी, बात करनी थी मोदी जी से। तो मैं जाके एकदम से ऐसे नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए, तो मैंने कहा आपको एक बात बताऊं सर, जो मेरे पापा की भी चाय की दुकान है और आज भी चलती है। तो मतलब मेरे लिए वो बात मतलब इतनी खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, उन्हें चल के ये बात मुझे कही कि हाँ मैंने तुम्हारी, ऐसे इशारा करके कि हाँ मैंने तुम्हारी चाय की दुकान के बारे में पढ़ा है। जब खबर आई थी तो एक तरफ मेरी थी तो और एक तुम्हारी चाय की दुकान की खबर थी। मंजू की वजह से चांदगोठी गांव पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान बना चुका है। इस एक बेटी की वजह से गांव की समस्याओं पर सरकार भी गंभीर रहती है। हाल ही में इस गांव को सरकार की ओर से एम्बुलेंस की सेवा मिली है। बदलाव की ये बयार इस बेटी की वजह से बह रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये आज का न्यूज़पेपर है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर और वो ये है, इसके बारे में मंजू बाला हमको बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चांदगोठी को मिली 108 एम्बुलेंस, बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इसके पीछे की कहानी क्या? गांव वालों की डिमांड थी कि यहाँ पे एक ट्रैक ग्राउंड और एक 108 नंबर ये एम्बुलेंस मतलब चले यहाँ पे, तो मैंने उनके सामने ये डिमांड रखी थी। साहब ने उसी टाइम ये अनाउंसमेंट कर दी थी और कल वो हमारे यहाँ एम्बुलेंस आ गई है। दुकान के पास में ही मंजू का घर है। चूंकि इस बेटी को बनाने में जितना पिता ने कष्ट झेला उतना ही संघर्ष मंजू की माँ संतोष देवी ने भी किया है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है संतोष देवी, लेकिन मंजू को हिम्मत और हौसला माँ ने ही दिया। कई दिन इस माँ ने भूखे पेट गुजार दिए, कई रातें खुली आंखों से गुजारी। वो वक्त तो बीत गया
लेकिन यादें इतनी ताज़ा हैं कि जिक्र आते ही आंखें रो पड़ती हैं। इस तरह के बैनर और पोस्टर लगते हैं, बेटी इतनी बड़ी दिखाई देती है, तो एक माँ होने के नाते आपको कैसा लगता है? और अब जब इंचियोन में जाकर पूरे देश का मान बढ़ाया है आपकी बेटी ने, तो उस समय कैसा लगता है और कितना संघर्ष किया है आपने इनको आगे बढ़ाने? बहुत खुशी मिली मेरे को, बहुत आंखें में आंसू भी आ गए थे बेटी को मेडल आए जब। कभी उम्मीद थी कि इस तरह से होगा? नहीं, गरीब लोगों को क्या उम्मीद होती है। पैसे की दिक्कत होती थी पहले जब इनको ट्रेनिंग के लिए? हाँ, बहुत दिक्कत होती। किस तरह की परेशानी होती थी? उधार ले आना पड़ता था किसी के पास, उधार लेकर आती थी और फिर इनको भेजती थी। हाँ, बाहर भेजती थी और भैंस रखती थी, उसका दूध पिलाती थी उसको। अच्छा, खुद भैंस रखा? हाँ, इसके पापा जी उठा उठा कर रात को दूध पिलाते थे, बेटा उठो दूध पियो। वो नहीं, कौन पिएगी, खंड खा लियो। नहीं नहीं बोले, पिएगी, नहीं पिएगी तो मेडल कहाँ से लाएगी। ऐसी ही माँ को हिंदुस्तान सलाम करता है। और आप देख पा रहे हैं एक माँ जिसकी बेटी बगल में खड़ी है, लेकिन उसके पास अंबार है इन मेडल्स का, न जाने कितने सोना खुद के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए इस बेटी ने हासिल किया है। और माँ आज फक्र से कहती है कि उसने अपनी बेटी के लिए जो भी संघर्ष किया है, बेटी ने उसका नाम रोशन करके आज उन तमाम संघर्षों को धूमिल सा कर दिया। और ये बड़ा सा आप देख पा रहे हैं ये बैनर जिसमें लिखा है हिंदुस्तान की शान सारे क्षेत्र का मान, सिर्फ अपने आप में बताने के लिए काफी है। और सबसे दिलचस्प ये है, संतोष इनकी माँ का नाम है, विजय इनके पिता का नाम है, और शाबाशी खैर बेटी को, लेकिन उसके साथ माँ बाप को भी दी गई है जिन्होंने इतने बड़े संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद, खुद भूखा रहकर अपनी बेटी को आगे किया है। और वास्तव में हमारे देश को ऐसे ही माँ बाप की जरूरत है जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए, थोड़ी सी कोशिश कर लेने भर से ही इस तरह की बेटियां हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती हैं। यूं तो हम पिता की चाय की दुकान से चाय पीकर ही आए थे, लेकिन घर में भी मंजू ने हम लोगों के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। चाय पीते पीते मंजू ने मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से भेजा गया बधाई संदेश का वो प्रशस्ति पत्र भी दिखाया। इसमें लिखा है मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे की ओर से आ गया है, लिखा है प्रिय मंजू, एशियाड की हैमर थ्रो प्रतियोगिता में 60.47 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीतने के लिए आपको बधाई। आशा करती हूं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन कर राजस्थान का नाम रोशन करेंगी। मंजू की नजर अब ओलंपिक पर है, घर वालों की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन हैमर थ्रो एक ऐसा गेम है जिस पर सरकार का थोड़ा कम ध्यान है। मंजू चाहती हैं कि सरकारें इस खेल की ओर भी ध्यान दें। आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे क्या लक्ष्य है आपका? अभी जैसे मेडल आया पहली बार इंडिया का हैमर थ्रो में, तो मैं चाहती हूँ कि एशियन गेम से आगे अब दूसरा गेम है ओलंपिक गेम। अच्छा, अब ओलंपिक में मैं चाहती हूँ कि पार्टिसिपेट करूँ आने वाले दो, और मैं ये मेरा टारगेट है इस टाइम। तो और मोदी जी से कैसी उम्मीदें हैं? मोदी जी से ये उम्मीद है कि जब हम अभी जैसे हम लोगों का वेलकम किया है, तो हम जैसे नेशनल खेल के आते हैं, तो उस नेशनल गेम पे भी हम लोगों को बधाई हो, या फिर एक प्रोग्राम हो, हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम करें और जो ट्रेनिंग का जो हम लोगों को देखें कि भी हाँ स्पोर्ट्स भी एक ऐसा ऐसे एक क्षेत्र है जहाँ पे काफी मतलब पिछड़ापन भी है, वहाँ पे पैसे की भी कमी है, कुछ प्लेयर तो हाई लेवल पे हैं और कुछ बिल्कुल लो लेवल पे हैं। जैसे एशियन गेम है, एशियन गेम ओलंपिक के बाद का गेम है, इसको दूसरा ओलंपिक मानते हैं, तो उसमें मेडल लेके आना बहुत मतलब बहुत टफ है। बिल्कुल, कॉमनवेल्थ में इजी है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो तीन महाशक्ति जो कंट्रियां हैं वो नहीं आती हैं, जापान, चाइना और कोरिया। वॉलीबॉल से खेल करियर की शुरुआत करने वाली मंजू जूनियर स्टेट भी खेल चुकी हैं, लेकिन नवी कक्षा में पढ़ते हुए मंजू ने शॉटपुट भी खेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो टूर्नामेंट के सिलसिले में बाहर गईं, जहां मंजू ने पहली बार हैमर थ्रो देखा। बिल्कुल नया खेल था हैमर थ्रो मंजू के लिए, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था और मंजू ने इसी हैमर थ्रो में अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया। दूसरा ओलंपिक कहे जाने वाले एशियन गेम्स में रजत पदक लाना वो भी हैमर थ्रो में आसान नहीं था। ये आसान होता अगर हर तरह की सुविधाएं होती, लेकिन जिन हालातों में मंजू ने इस खेल की साधना की वो वाकई बड़ी कठिन थी।
इतना आसान नहीं है किसी भी क्षेत्र में बुलंदियों को छूना, और इसी वजह से हम आ चुके हैं एक ऐसे रेतीली मैदान में जहां पर हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए मंजू बाला आती है। मंजू, आप यहां पर प्रैक्टिस करती हैं इस जगह पे? हाँ, पहले भी करते थे, अभी भी जब छुट्टी आते हैं तो यहाँ ट्रेनिंग करने आ जाते हैं। घर से मतलब यहीं पर आती हैं? हाँ, इस खाली ग्राउंड में प्रैक्टिस? हाँ, इसी खाली ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, पहले भी इसी ग्राउंड में करते थे। और वैसे होना कैसा चाहिए, मतलब इस ग्राउंड को किस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा आसानी हो पाए? इसके चारों तरफ चार दीवारी होनी चाहिए थोड़ी ऊंची, और ट्रैक होना चाहिए 400 मीटर का, उसमें मतलब अगर सिंथेटिक ना हो तो ग्रास ग्राउंड हो। अच्छा, और ग्रास ग्राउंड हो, और ये जैसे मैं अभी आपको थ्रो करके दिखा रही हूँ सर्किल, ऐसे सर्किल दो तीन सर्किल हो जिसमें शॉट पुट और डिस्कस और हैमर ये हो सके, और दूसरे जो जैवलिन थ्रो है लॉन्ग, ये तो मैं देख पा रही हूँ वैसे ही ग्राउंड है, मतलब नॉर्मल बस बना के छोड़ दिया गया है, जमीन है वो ग्राउंड क्या है, जमीन है। और यहाँ पर ये चीजें आप लोगों की ओर से या प्रैक्टिस के लिए बनवाई गई? ये खुद से हम लोगों ने बनवाई है। ठंड की ठिठुरन और घने कोहरे के बीच भी अपने मकसद के लिए मंजू बाला बहा रही हैं पसीना। उनसे कुछ और सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। अथक प्रयास और सतत संघर्ष के साथ मंजू आगे बढ़ती रही। साल 2005 में मंजू का सिलेक्शन नेशनल टीम में हुआ, ये टर्निंग प्वाइंट था। नेशनल टीम में सिलेक्शन पाते ही मंजू ने सोना झटका, इसके बाद तो जैसे किस्मत ही मेहरबान हो गयी। साल 2012 में मंजू की अहमदाबाद में रेलवे में क्लर्क की नौकरी लग गई, और 2012 में ही मंजू की शादी भी हो गई। शादी के बाद अपने सपनों को संजोए रखना हिंदुस्तान में किसी भी लड़की के लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि बहू चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है। लेकिन पिता के घर से विदा हुई मंजू जब पति के घर आई तो सास ससुर के लिए वो बहू नहीं बेटी बनकर आई थी। मंजू की आंखों में तैरने वाला हर सपना ससुराल वालों ने अपने सिर आंखों पर सजाया। जब हम मंजू के ससुराल पहुंचे हमें इसका एहसास भी हो गया। ससुराल में घर के बाहर बहू की बड़ी सी तस्वीर के साथ दक्षिण कोरिया में हुए 17वें एशियन गेम्स का बधाइयों वाला बैनर लगा था। खेत के बीचों बीच मौजूद इस घर में हर तरफ मंजू ही मंजू थी। मंजू के मेडल से ये पूरा घर सजा हुआ था। खरे सोने की पहचान जब करनी हो तो उसे आग में डाल देते हैं, और उसी के बाद पता चलता है कि ये सोना बिल्कुल खरा है। कुछ उसी तरह की जिंदगी है मंजू बाला की भी, एक बड़ा संघर्ष, लंबा संघर्ष, और उस संघर्ष के बाद बहुत बड़ी कामयाबी भी। और इस वक्त उनके संघर्षों के बाद जो कामयाबी मिली है उसकी कहानी बयां करने के लिए मंजू बाला एक ऐसी जगह पर हमको लेकर आई हैं जहां पर उनके बहुत सारे प्राइज मेडल रखे हुए हैं। मंजू, सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट वाला है हम उसी के बारे में जानना चाहेंगे, हालांकि ये ब्रॉन्ज है। हाँ, लेकिन है तो आपका सिल्वर? बिल्कुल, ये तो आप इसको वापस करेंगी फिर सिल्वर लेकर आएंगे? जब हमारे एथलेटिक्स फेडरेशन जब हम लोगों को बोलेगी कि आपको अपग्रेड अभी जो हुआ है सिल्वर मेडल, आप ये भेज दो, आपका वो मेडल आ गया, तो हम इसको फेडरेशन में भेज देंगे, फेडरेशन हमारा सिल्वर मेडल यहाँ भेज देंगे। जो मेडल, ये सब कुछ शादी के बाद आपने जी? हाँ, ये सिर्फ दो साल 2012 के बाद, 13 और 14 के ये मेडल है, ये गोल्ड है, ये पूरे आपके गोल्ड है? हाँ, ये गोल्ड है नेशनल के। हाँ, और ये शादी के बाद? हाँ, शादी के दो साल बाद ही मंजू ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीता है। मेहनत और लगन मंजू की थी, लेकिन पति राकेश कुमार और सास ससुर ने अपनी बहू का जिस तरह से हौसला बढ़ाए रखा वो इस बड़ी कामयाबी के लिए बेहद जरूरी था। वजन कितना होगा इसका? 4 kg। अब इसे क्या करते हो आप? जैसे अभी यहाँ से लेके जाते हैं सामान, अपना पूरा सामान, और वहाँ किसी ग्राउंड में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए बैलेंस रहे तो बहुत जरूरत पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी टेक्निकली इवेंट। ये आपसे उठेगा नहीं, ट्राई कर लेते हैं। कितने किलो का है? 7.5 किलो का है ये, और ये आपका 4 किलो? 4 किलो का है। कभी इससे प्रैक्टिस की है तो बहुत भारी है। हाँ, हाथ तो दुखता होगा। अभी हैबिट बन गए हैं। जब हम लोग प्रेयर रहते हैं तो 4 आवर, मतलब 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? पटियाला में। पटियाला में, और वैसे यहाँ पे रेगुलर यहाँ रहते हैं तो एक कभी एक टाइम जा पाते हैं, मतलब वही है कि सुबह उठने की देरी हो जाती है। और पटियाला कब कब जाना होता है? पटियाला वैसे कंटिन्यू मैं पटियाला रही हूँ
सिर्फ पिछले साल प्रोग्राम होते हैं तो सब जयपुर कहीं खिलानी अच्छा फिर वहाँ जाना पड़ता मैक्सिमम टाइम घर को तो थोड़ा कम टाइम दे पाते हाँ घर का बहुत ही कम टाइम दिया कभी मलाल रहता है इस बात का थोड़ा ज्यादा दे पाती को बात भी सिर्फ फोन पे बातें होती हैं कभी बात 5-5 महीने नहीं आते कभी कितने महीने निकल जाते हैं सपना ओलंपिक का है इसीलिए घर की इस बहू को अपना फर्ज निभाने के लिए वक्त कम पड़ जाता है लेकिन जब भी मौका मिलता है पूरा परिवार उस वक्त को एक साथ गुजारता है जब हम पहुंचे थे तो दोपहर के 3 बज रहे थे इंडिया न्यूज के शो बेटियां के टेलीकास्ट का वक्त भी हो चुका था लिहाजा पूरा परिवार इकट्ठा होकर सोडा गांव की सरपंच बिटिया छवि राजावत पर प्रसारित हो रहे प्रोग्राम को देख रहा था फिर हम लोग मंजू और उनके परिवार के साथ घर से बाहर उनके खेतों में आ गए अच्छा ये बताइए आपने खुद भी प्रैक्टिस की लगातार और अब जैसा कि मंजू मुझे बता रही थी कि चूंकि वो अच्छा कर सके अपने गेम्स में इस वजह से आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं जी बिल्कुल आपने खेलना बंद कर दिया नहीं मैं करता हूँ मोस्टली तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ बाकी किस टाइम मैं आदमी जॉब करता हूँ इसलिए मेरे को जाना पड़ता है तो उस टाइम भी हम कनेक्ट में रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह में या फेसबुक में किस टाइम में वीडियो अपलोड करके इनको मैं दिखाता रहता हूँ या फिर ये भी अपनी वीडियो बना के मेरे को भेजती है कोई फॉल्ट हो तो बताओ देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है कि जैसे हमारी बेटियों की शादी हो जाती है और जिस घर में वो जाती है अधिकतर हमने देखा है जो सासू माँ होती है वो अपनी बेटी की तरह उन्हें ट्रीट नहीं करती है बेटी की तरह व्यवहार नहीं होता है और इसी वजह से बहुत सारी बहू ऐसी होती है जो हिंदुस्तान के लिए आप दूसरे देशों में जाकर नाम रोशन कर सकती हैं लेकिन वो इस बारे में कामयाब नहीं हो पाती हैं इस लिहाज से देखा जाए तो मंजू बाला बहुत लकी रही हैं एक बहुत अच्छा परिवार मिला है जितना बड़ा सपना उतना ऊंचा आसमान हौसला तय करता है परिंदे की उड़ान और इस हौसले को बार बार हमारा सलाम राजस्थान की इस धरती से ऐसी ही निकलती रही बेटिया और आसमान जितना ऊंचा ही हो उनका मकाम आज राजस्थान से बेटिया के सफर में फिलहाल इतना ही लेकिन अगले हफ्ते एक और बेटी होगी आपके सामने लेके संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी बेटियों, बेटियों, बेटियों।